हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वन नाइट स्टैंड अर्षिक रिजाइल वाले ड्रामे के साथ। ड्रामे की स्टार्टिंग ड्रामे का मेनली लू से होती है। वो एक मीटिंग में था, वो वहाँ पर उसे कुछ पीने के लिए दिया जाता है, लेकिन ये जो पिया था वो कुछ ढंगत नहीं था, क्योंकि वो अपने आपा खो देता है। वो वहाँ से भागने की ट्राई करता है, उसका असिस्टेंट उसकी हेल्प करता है। और अब सिचुएशन ऐसा था कि अगर ये घर पर चला जाता तो उसके लिए दिक्कत थी, क्योंकि उसके कंपटीटर या फिर उस पर अटैक वाले घर पे हो सकते थे। इसीलिए उसके असिस्टेंट उसे आइडिया देता है उसे होटल रूम में जाना चाहिए, ताकि पता ही ना चले कहाँ कौन गया। अब हम चलते हैं ड्रामे की फीमेल, जिसका नाम मियान होता है। मियान एक मीटिंग के लिए आई हुई थी क्लाइंट के साथ, उसे एक होटल में बुलाया गया था। वो इधर उधर देखने लगती है और वो रूम नंबर चेक करके अंदर चली जाती है। वो देखती है अंदर तो लू था, लू वॉशरूम से बाहर निकला था। वो उसे बात करने की ट्राई करती है, लू उसे बेड की तरफ पुश करता है और वो बोलता है तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आई हो। और तभी वो उसे कुछ बोलती, उससे पहले वो उसे ऐसे किस करने लगता है और उसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है, क्योंकि लू को ऐसा लगा था कि उसका ही कोई दुश्मन ने उसे वहाँ पर जासूसी करने के लिए भेजा होगा। सुबह वाला सीन जहाँ पर जब मियान अपनी आँखें खोलती है, वो देखती है अपने आप को लू के साथ, वो घबरा जाती है और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है सॉरी बस कल मैं उस लड़की को वहाँ पर आने से रोक नहीं पाया। वो बोलता है उस लड़की के बारे में पता लगाओ, मुझे लग रहा है ये लड़की पक्का मेरा इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, जासूसी करने के लिए किसी ने भेजी हुई लड़की होगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मियान थी अपने ऑफिस पर थी, उसका बॉस उसे डांट रहा होता है, क्योंकि इस 3 महीने के अंदर ही उसने बहुत सारे पंगे किए हुए थे। कुछ टाइम का लीव था और उसका बस हमेशा की तरह उसे डांट लगा रहा था, बोल रहा था कि तुम जैसी बेवकूफ लड़की तो मैंने देखी नहीं है, तुम बार बार हमें लस करवा रही हो, बोल के उसे डांट रहा था। और मियान बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसे नौचा और वॉमिटिंग जैसी हो फीलिंग आ रही होती है, वो घबरा जाती है। और उसके बाद वहाँ पर उसकी जो कलीग थी उसे बोलती कि क्या बात है, तुम ऐसा क्यों ड्रामा कर रही हो जैसे कि प्रेगनेंट लेडी हो, अनमैरिड हो ना, चुपचाप वहाँ पर बैठो, बॉस की इंसल्ट क्यों कर रहे हो इस तरह से। ये सुनने के बाद मियान को लगता है क्या हो गया, और उसके बाद वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाती है। उससे वो कुछ दिन से बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस कर रही होती है और वो डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर को उसने पूछा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है, उसने बता दिया था। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर चेक करके आई थी और ऑब्वियसली मैडम प्रेगनेंट थी और वो बहुत घबरा जाती है। वो मनी मन में सोच रही थी कि मैं इतनी अच्छी हालत में हूँ नहीं कि मैं अपने बच्चे का ख्याल अकेले रख पाऊँ, ऐसा सोच के अपने आप को कोस रही थी कि मुझे उस दिन वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, मैं गलत रूम में घुस गई थी, क्योंकि उसे सच पता चल गया था। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और हमें दिखाया जाता है जैसे मियान बाहर आती है, उसकी जो कॉलिग थी पोजीशन में उसके सीनियर, तो वो उसे बोलती है कि एक काम करो ये सारी चीज़ें थर्ड फ्लोर पे ले जाओ। मियान बोलती है ये मेरा काम नहीं है, तभी वो बोलती है कि तुमने जितना काम ख़राब किया है ना इस 3 महीने में, तो तुम्हें इसका बाहर जाने के रूप में पनिशमेंट के रूप में ये तो करना ही पड़ेगा, चुपचाप लेके जाओ, बोल के उसे उठाने के लिए बोलती है। और मियान को ना चाहते हुए भी उठाना पड़ता है। इवन ये दिखाया जाता है कि जो मियान थी उसे कंपनी के प्रमोशन के लिए पैम्पलेट्स भी बांटने के लिए कड़ी धूप में वो लगा देती है। और हमें दिखाया जाता है जो लू था उसका गाड़ी वहीं पर आके रुकता है और उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि बस ये वही लड़की है जिसके साथ आपका नाइट स्पेंड हुआ था। ये सुनने के बाद जो लू था वो बोलता है कि तो तुमने क्या पता लगाया, उसका असिस्टेंट बोलता है कि बस वो बस गलत रूम में गई थी, इसका कोई इरादा नहीं, ये किसी से भी लीक नहीं। ये सुनने के बाद लू बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नज़र रखा करो। और उसके बाद वो उसे ये भी बोलता है कि इसकी मदद कर लेना अगर इसकी कुछ इसे कुछ मदद की ज़रूरत है तो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो गाड़ी को लेके वहाँ से निकल जाता है। मियान काम कर रही होती है, तभी वो वहीं पर बेहोश, उसकी जो फ्रेंड थी उससे हॉस्पिटल पे ले आना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल पे ऑलरेडी लू होता है अपनी मॉम के साथ। उसकी मॉम उसे डांट रही थी, बोल रही थी कि मेरे उम्र के सारे औरतें अपने कोख में ग्रैंड चाइल्ड खिलाते और मुझे अपना ये
मुस्टंडा लेके चलना पड़ रहा है। तुम कब शादी करो, मैं इतने सारे ब्लाइंड डेट में भेज चुकी हूँ, लेकिन तुम तो एक भी लड़की को पसंद नहीं करते। मुझे बता दो ना किस तरह की लड़की पसंद है, मैं उसी तरह की लड़की का अरेंज करवा दूंगी, लेकिन एटलीस्ट शादी तो कर लो। मरने से पहले मुझे ग्रैंड चाइल्ड हाथ में चाहिए, ऐसा वो बोले होती है। लू बोलता है, मॉम मेरे पास इतना काम है, नहीं टाइम मेरे पास ये सब करने का, ऐसा बोल के अपने मॉम को समझा रहा होता है। मॉम बोलते कि मैंने ब्लाइंड अरेंज किया है, चुपचाप जाओ, आज भी तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना है। और लू बोलता है अच्छा ठीक है मॉम जा रहा हूँ, और निकल जाता है। हमें दिखाया जाता है जो हमारी मियान होती है, वो ऐसे पास हो रही थी, तभी वो देखती है जो लू की मॉम है, वो उसकी फ्रेंड से टकरा जाती है, उसकी फ्रेंड तो उसे डांट के निकलते आती है। और हमें दिखाया जाता है जो मियाँ थी वो आंटी को लेके अंदर बेडरूम में चली जाती है, मतलब वो रेस्ट करने वाले, और वहाँ पर रहने के बाद उनको पानी देती है। और काफ़ी जेन्युइन थी, काफ़ी हम्बल थी लड़की, तो ऑब्वियसली सबको पसंद आनी थी, क्योंकि आंटियों की आँखें तो इसी चीज़ पर टिकी रही होती है। वो बोलती है कि बेटा तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कितनी बड़ी दिक्कत है, मैं बस यही तो चाहती हूँ ना एक ग्रैंड चाइल्ड हाथ पर ले लूँ, लेकिन वो भी नहीं हो रहा मेरे बेटे से। मैं उसको इतने सारे ब्लाइंड डेट में भेज चुकी हूँ, लेकिन एक भी लड़की को पसंद नहीं करता, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तभी मियाँ हंसती है, बोलते कि डोंट वरी आंटी, आप अभी टेंशन मत लो, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, ऐसा बोल के वो उनको समझा रही होती है। तभी आंटी बोलती है कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र कितना है? वो बोलती है 22 साल। ये सुनने का तो बोलती कि बेटा तुम्हें पता है मेरा एक बेटा है, गौपुर जवान, बहुत गुड लुकिंग है यार, बहुत अच्छा खासा कमाता है, अगर तुम मेरी बहू बनने के लिए राजी होगी ना, तो मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगी, मेरे घर की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, बस मुझे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? ये सुनने के बाद जो मियाँ थी वो हंसती है, बोलती कि आंटी आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी प्रेगनेंट हूँ। पहले तो आंटी बोलती कि मुझे लगता है तुम मजाक कर रहे हो। मियाँ बोलती है नए आंटी मैं सच्ची में प्रेग्नेंट हूँ, और वो अपना रिपोर्ट भी दिखाती है। ये देखने के बाद वो बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी यंग हो। तभी मियाँ बोलती है मॉम आंटी अभी मैं इस बच्चे को रखने की स्टेज में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसके बाद वो उसको एक अच्छी लाइफ विश करती है, और उसके बाद उसे अर्जेंटली बॉस का कॉल आया, जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है जैसे हमारी बंदी बाहर आई तो वो जो लू था उसके साथ टकरा गई, और उसे ऐसे पकड़ता है, उसके बाद उसे सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाती है। शायद हमारी बंदी ने उसे इतना नोटिस किया नहीं था। अब हमें दिखाया जाता है जैसे ही अंदर जाता है लू, तो उसकी मम उसके ऊपर पिलोज की बरसात कर रही होती है, उसे डांट रही थी, और वो बोल रही थी कि तुम जैसे निकम्मे औलाद मैंने देखा नहीं, मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजा था, तुम गए क्यों नहीं? तभी लू अपनी मॉम को समझाने लगता है कि मॉम आप ऐसा मत सोचो ना, मुझे नहीं जाना, आप नहीं समझ रहे, मुझे नहीं करनी शादी, लाइफ में बहुत चीज़ें होती है शादी के अलावा भी। तभी उसकी मॉम बोलती कि बेटा तुम्हारी उम्र में ना मेरे 3 बच्चे थे, और अभी देखो मैं अलग अलग कंट्री में अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ ताकि कुछ करे, जिसमें से एक तुम मेरे साथ रह गए, लेकिन तुम तो ना शादी कर रहे हो ना तुम मुझे कोई पोता पोती दे रहे हो, मैं अकेले कैसे लाइफ काटूंगी, अगर मेरे साथ कुछ होगा तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम तो ऐसे ही मरोगे, ऐसा बोल के डांट रही होती है। और उसके बाद जो लू था वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम इस लड़की को आप जानते हो क्या? तभी वो बोलती है हाँ इस लड़की ने मुझे अंदर तक आने में हेल्प की थी, बहुत प्यारी सी लड़की है, लेकिन क्या करे बेचारी प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को रखना नहीं चाहती। ये सुनने के बाद जो लू था वो शॉक में आता है और वो बोलता है कि मॉम आप थोड़ी देर यहीं रहो, मैं बाहर चला जाता हूँ। और उसके बाद बाहर उसके असिस्टेंट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, और उसके बाद वो पूछता है कि बॉस आपको क्या लगता है ये आपकी बच्चा है आपका बच्चा है? ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि ये तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। अगली सीन में दिखाया जाता है जब मियाँ अपने ऑफिस पे चली जाती है, तो वहाँ पर उसकी बॉस बोल रहे होते कि तुम्हारी वजह से हमारा एक डील था वो कैंसिल होने वाला है, तुम्हें किसी भी कीमत पे जाके एक क्लाइंट से बात करनी है, उन्हें कन्विंस करना है, वरना तो हम बहुत बड़े लॉस पे आ जाएंगे। और जो उसके चक्कर में उसके पॉकेट में जो प्रेगनेंसी वाला जो था रिपोर्ट वो गिर गया, अब इसमें सबको पता चल गया ये प्रेगनेंट है, तो सब लोग थोड़ा उसे ऐसे बुरी चीज़ें बोलने लग जाते हैं। मियाँ आप
क्लब पे चली जाती है, जहाँ पर उस क्लाइंट के साथ वो बात करने की ट्राई कर रही थी, कन्विंस करने की ट्राई कर रही थी कि उन उसकी कंपनी के साथ डील कैंसिल ना करे। और हमें ये दिखाया जाता है जो लो था वो भी उसी क्लब पे था, उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये ब्रेक नहीं दे और ये यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि ये उसकी मर्जी है, अगर वो कंफर्टेबल है तो हमें क्या है, ऐसा बोल के वहाँ से क्रश होता है। हमें दिखाया जाता है वो बंदा जिसके साथ मियान मीटिंग करने के लिए आई हुई होती है, उसके साथ बड़ा बदतमीजी से बात कर रहा था, लेकिन मियान सब कुछ झेल रही होती है और एक दिल तो बिल्कुल भी उसे नहीं मिलता और बॉस उससे डांटने वाले होते हैं, तो वो बहुत परेशान थी। वो हॉस्पिटल भी चल जाती है और वो मन ही मन में बोल रही थी कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊँगी, मुझे माफ़ कर देना, मैं अबॉर्शन करवा लूँगी, मन ही मन में बोलते हुए अंदर की तरफ जा रही थी। लू उसे देख रहा था धीरे धीरे, उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि बॉस आप इनको हर जगह फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक बार बात करो ना, ये आपका बच्चा है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उसके सामने भी जाने की, मेरी वजह से इसकी लाइफ में ये सब चल रहा है। और उसके बाद मियान अंदर जाती है, डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारा बेबी बहुत हेल्दी है और तुम्हारी जो कंडीशन है ना वो इतनी सपोर्टिव है नहीं कि तुम एबॉर्शन करवा पाओ, वरना तुम्हारी फिजिकल हेल्थ खराब हो सकती है, आरू शेयर करना है। मियान बोलते हैं कि हाँ मुझे करना है। और उसके बाद सीन यहीं पर कट होता है। जो लू था वो उस प्रेगनेंसी का जो रिपोर्ट था वो लेके घर पे चला जाता है और वो बोल रहा था कि मैं इसे कैसे फेस करूँ, मुझे इससे बात करनी है, इसे रोकना है, ये कैसी मैं जो अपने खुद के बच्चे को मारने के बारे में सोच रही है, बोल के वैसे रिपोर्ट को ऐसे ही टेबल पे रख के वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर मॉम उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है और टेबल में देख लेती है प्रेगनेंसी वाला रिपोर्ट, और वहाँ पर मदर का नाम लिखा हुआ था और उनको मदर का नाम तो याद आया, मियां से तो मिल चुकी है। और उसके बाद वो बहुत खुश होती है और उसके बाद वो सोचती है कि मुझे उससे मिलना पड़ेगा। ऑफिस में दिखाया जाता है जो मियां थी वो ऐसे काम कर रही थी, उसकी जो कोवर्कर थी उसी के साथ ऐसे बदतमीजी करने की ट्राई करती है, मतलब वो प्रेग्नेंट है सबको बताया, तो वही यार वो सब जिस तरह से एक अकेली लड़की को बुली करते हैं वही वाला उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना, तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है, वो तो नहीं जाती लेकिन वो वहीं पर गिर गई। और तभी वहाँ पर कंपनी के बॉस आ जाते हैं और उसके बाद बॉस के सामने तो वो लड़की ऐसा दिखाती है कि मियां ने जानबूझ के धक्का दिया है और उसे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। और यहाँ पर सब लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं और कंपनी से निकलवाने की बात कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर आती है लू की मॉम और वो बोलती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बहू को कंपनी से निकालने का। सब लोग बोलते कि आपकी बहू, लेकिन कोई भी ना आंटी को भी पहचानता नहीं था। तो यहाँ पर मियां उनको बोलते हैं कि आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलते हैं बेटा मुझे पता चल चुका है तुम मेरे बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मुझे वो ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इतनी प्यारी हो, बोल के वो तो मियां की तारीफ़ करने लगती है। ऑफिस में सबको लग रहा था ये आंटी तो पागल हो गई है। और उसके बाद जो मियां थी वो बोलती कि पर आपका बेटा कौन है और आप मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, तो वो बता देती कि मेरा बेटा कौन है तुम जान लोगी। और उसके बाद फ़ोन उठा के फ़ोन में अपने बेटे को ऐसे बात करती है, कुत्ते जल्दी से जल्दी ऑफिस पे आ जा, जो काम तूने किया है ना उसकी वजह से मेरी बहू को दिक्कत हो रही है, ऐसा हो बोल रही होती है। और उसके बाद यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि आंटी तो पागल है। तभी जो लू की मॉम थी वो बोलती कि मेरा बेटा आएगा ना तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। और होता भी यही है, जब यहाँ पर लू आता है तो सब लोग शॉक में, क्योंकि ये जो कंपनी है ना वो लू के अंडर ही आती थी और जो बॉस था यहाँ का वो तो लू के पैर में पड़ के बोलता है कि माफ़ करो सर हमें नहीं पता था ये आपकी वाइफ है। ये सुनने के बाद लू बोलता है कि कौन बोल रहा था यहाँ पर मेरी वाइफ के बारे में बहुत कुछ। और उसके बाद दूसरी लड़की जो मियां से बहुत जलती थी वो बोलती है कि ये तो ऐसी ही है, हर किसी लड़की के साथ होती है, मुझे लगता है प्रेसिडेंट ये आपकी बच्ची की माँ नहीं बनने वाली है, तो किसी राह चलते आदमी का बच्चा है। ये सुनने के बाद तो बोलता है कि तुम मेरे बच्चे को राह चलते आदमी का बच्चा बोल रही हो, तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है क्या, एक काम करता हूँ मैं इस कंपनी को ना पूरा ऐसे कैंसिल करवा देता हूँ। ये सब सुनने के बाद सब लोग डर जाते हैं, सब लोग उनके पैर पर पड़ के माफ़ी मांग रहे थे और बोल रहे थे कि प्लीज़ ऐसा ना करे। और जो हमारी मियां थी वो बोलती कि नहीं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और वो बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ भी गलत हो, वो भी मेरी वजह से। और उसके बाद जो मॉम थी वो बोलती कि अब तुम दोनों में बात हो गई तो अब चुपचाप चलो शादी की सर्टिफिकेट साइन करने के लिए, मुझे तो अपना प्लान चल जाइए बोल के वो मियान और लू को वहाँ से लेके निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है बाहर रास्ते में, जो मॉम होती है वो तो बहुत खुश थी, दोनों को बोल रही थी कि अभी तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। तभी लू बोलता है कि मॉम मैं आप थोड़ी देर मियान से बात करूं, और मॉम जाए बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें ना लड़कियों से बात करना नहीं आता, अगर ये लड़की भाग गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो मियान थी लू को सॉरी बोलती है इतनी बड़ी प्रॉब्लम में डालने के लिए। लू बोलता है कि एक बात बताओ, तुम सच में मेरे बच्चे को मारना चाहती हो? वो बोलती कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे बच्चों से प्यार नहीं, लेकिन मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकूँ, इसलिए मुझे एबॉर्शन कराने के बारे में ख्याल आया था। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि तुम बहुत वीक हो, पता है तुम लोग क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन तुम तो छोटी सी चीज़ों को भी हैंडल नहीं कर सकती। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुनने के बाद जो मियां थी वो बोलती कि आप मुझसे शादी कर रहे हो? वो बोलता है कि अब तो मेरे बच्चे की माँ बनने ही वाली हो, तो अब मैं बच्चे के खाते भी तुम्हें तो शादी करना ही पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर लेते हैं और ग्रैंड मॉम को दे देते हैं। अब मॉम को मॉम तो बहुत खुश होती है और दोनों को बोलते हैं कि अब चलो घर पर। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है घर पर जाने के बाद जो हमारा बंदा था उसके पास मॉम आती है, वो एक डॉल ले आती है और बोलती है कि ये लो तुम्हारा बच्चा। ये देखने के बाद लू बोलता है मॉम ये क्या है? ये सुनने के बाद जो मियान की जो लू की मॉम थी वो बोलती है कि देखो किसी दिन तो तुम्हारा बेबी होगा, उस टाइम पे तुम्हें भी तो उतना ही हेल्प करना पड़ेगा तुम्हारे बेबी की जितना वो करती है बच्चे के ख्याल रखने में, तो इसका डाइपर किस दिन करना है वो तुम सीख लो, बोल के वो ये बोलती है कि मैं मियान के लिए कपड़े लेने जा रही हूँ। और तभी जैसे ही मियान अंदर आती है तो वो देखती है जो लू था वो ड्राइवर वाले सेक्शन को ऐसे चेक कर रहा था, और जैसे ही वो मियान को दिखता है वो एम्बेस फील करता है, वो पूछती है आप ये क्या कर रहे हो? वो बोलती है कि बोलता है नहीं कुछ नहीं, और वो छुपा देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉम आती है और मॉम उसे कपड़े देती है चेंज करने के लिए, और उसके बाद सोने के लिए बोलती है, आराम करने के लिए बोलती है। ये सुनने के बाद जो मियान थी वो बोलती कि पर मैं कौन से कमरे में रहूँगी? ये सुनने के बाद जो मॉम थी वो बोलती कि ऑब्वियसली अब तो लू का कमरा तुम्हारा भी कमरा है ना, जाओ बेटा, बोल के उसे भेज देती है। मियान अंदर कमरे में बैठी हुई थी, लू वॉशरूम से आता है, उसे देखने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलती कि नहीं वो आपकी मॉम ने भेजा था मुझे, आई नो मैं आपको बोदर कर रही हूँ, मैं जाती हूँ, बोल के जाने वाली होती है। तभी वो उसे बोलता है कि नहीं मत जाओ, वो बोलती है क्यों? तभी लू बोलता है कि मेरी मॉम बाहर ही है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मॉम हमें अलग कमरे में सोने देगी? बिल्कुल भी नहीं, यहीं पर सो जाओ आराम करो, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद जो हमारी मियान थी वो लू को बोलती कि मुझे पता है हम दोनों को साथ में इसलिए रहना पड़ा क्योंकि बच्चा है, बच्चे का रीज़न था, लेकिन आप फिक्र मत करो, अगर आपको किसी और से प्यार है या फिर किसी दिन आपको ऐसा लगे कि आप लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं तो उस दिन मैं आपको छोड़ के चले जाऊँगी, लेकिन मैं बच्चे के होने तक मैं इसी घर में रहूँगी, मैं आपको बोदर बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकती हो, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकूँगी, ऐसा वो बोलती है। एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, ये थी लू की सिस्टर और ये अभी फॉरेन से आई हुई है, 5 साल हो गया था फॉरेन गए हुए, और वो अपनी मॉम से मिलती है एयरपोर्ट में और वो पूछती है कि मेरा भाई लेने क्यों नहीं आया मुझे? मॉम बोलती है कि अभी वो बाप बनने वाला है ना, तो अपनी वाइफ का देखभाल में बीजी है। सुनने के बाद वो बोलती है कि मॉम एक बात बताओ, लास्ट टाइम जब मैंने आपसे बात की थी तो तब तक तो आप भाई की शादी के लिए परेशान हो रही थी, और अब अचानक से बच्चा क्या बोल रहे हो? ये सुनने के बाद मॉम बोलते हैं कि आजकल के ज़माने में ना तुम्हें पता नहीं, तुम बस इस ज़माने में पैदा हो गए हो लेकिन इतनी मॉडर्न नहीं हुई हो, तुम्हें नहीं पता लोगों का क्या क्या चलता रहता है, मुझे तो क्या है, मुझे तो बस ग्रैंडसन मिल रहा है, ऐसा वो बोलती है। तभी वो बोलती है कि पर मॉम
मेरी फ्रेंड का क्या, वो उसे इतना पसंद करती है भाई को, वही बहू बनना चाहती है हमारी फैमिली की, आपने ना पूरे अरमान पे पानी फेर दिया, ऐसा वो बोल के अपने मॉम पे गुस्सा थी। और अब हम अगले वाले सीन में देखते हैं जहाँ पर जो मियाँ थी उसके साथ उसकी ननद यानी कि लू की बहन इतने अच्छे से पेश आ नहीं रही थी, मतलब उसके हर बातों पे ना डायरेक्टली तो दिखा नहीं रही थी कि मुझे इससे प्रॉब्लम है, लेकिन बातों बातों में वो टॉन्ट मार रही थी जैसे कि जेठानियाँ मारती है। और ये चीज़ सब लोग नोटिस कर रहे थे, लू भी उसे डांटता है, इवन मॉम भी डांटती है। और हमें अगले सीन में दिखा जाता है जब मियाँ अपना कुछ काम कर रही थी तो वहाँ पर चली जाती है लू की सिस्टर और वो बोलते कि एक बात बताओ तुम दोनों में प्यार कब हुआ। वो बहुत सारी चीज़ें पूछने लगती है, मियाँ उसे सच बता देती है कि मैं बस यहाँ पर बच्चे की वजह से हूँ, जैसे बेबी हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूँगी। डांट और ये सुनने के बाद लू की सिस्टर बोलती है कि अच्छी बात है क्योंकि जो लू है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है और वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनने के बाद जो मियाँ थी वो बोलती है कि मैं बस बच्चे की वजह से हूँ तो तुम फिक्र मत करो, जैसे बेबी हो जाएगा मैं तो इस घर को छोड़ के चली जाऊँगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली बेबी को चाहता है, ऐसा वो बोल के वो वहाँ से चली जाती है। बाद में जो मॉम है वो आके अपने बेटे को डांटने लगती है, उसकी अच्छी खासी क्लास लेती है क्योंकि कुछ भी बोलोगे, ये वाली मॉम बहुत स्वीट थी जो अपनी बहू को बहुत पसंद करती थी। जो लू की सिस्टर थी वो बस अपने मॉम के सामने अच्छे बनने के लिए वो मियाँ को सॉरी बोलने का ड्रामा करती है और मियाँ का क्या था, वो तो सीधी सादी सी लड़की, वो उसे माफ़ी कर देती है। और उसके बाद जो लू की सिस्टर थी वो बोलती है कि एक काम करते हैं, हम हमारी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। सुनने के बाद वो उसे बोल रहे थे कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊँगा, तभी लू की सिस्टर बोलती कि भैया आपका क्या काम, हम लड़कियों का काम ही वो। और उसके बाद लू बोलता है कि मैं लेने आ जाऊँगा, तब वो बोलती है ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर जो शॉप था वहाँ पर जाने के बाद लू की सिस्टर मियाँ को बहुत इमिलेट करती है, उसका क्लास को लेकर बहुत कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सब कुछ वहाँ पर करती है। मियाँ समझ जाती है वो बस माइंड माइंड का ड्रामा कर रही थी और उसके बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वहाँ से जाने वाली होती है। तभी लू आ पहुँचा था और लू का असिस्टेंट था, उसे सब कुछ बता दिया गया था कि यहाँ पर क्या हुआ था, वो जो लू था उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद लू को भी गुस्सा आता है, वो अपनी बहन को क्लास लेता है और बोलता है कि तुम्हें इस मंथ के आपसे 4 मंथ तक बिल्कुल पॉकेट मनी मिलने वाली है नहीं। ये सुनने के बाद उसे बड़ा गुस्सा आता है और उसके बाद वो बोल रही थी कि तुम सब लोग इसके साइड ले लो, एक दिन ये सब कुछ लेके चले जाएगी, बोल के उसे ऐसे डांट रही होती है। हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जब वो घर पे चले जाते हैं तो वहाँ पर मॉम होती है, मॉम बोलते कि चलो फिर से प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस मतलब हो बेबी का जो डॉल था उसको ऐसे मेडिसिन खिलाओ दूध खिलाओ। ये सुनने के बाद दो बोलता है कि मॉम ये सब तो लड़कियों का काम है ना, मैं क्यों करूँगा, और जिस दिन बेबी आएगा उसी दिन करेंगे ना, अब इसे प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। मियाँ हंस रही होती है, तभी मॉम बोलती कि चुपचाप प्रैक्टिस करो, मुझे देखना है तुम रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं, तुम कर पाओगे या नहीं अपने बच्चे का ख्याल रखने का काम, वरना या फिर बेचारी हमारी मियाँ को ही करना पड़ेगा, बोल के वो उसे ऐसे फिर जो दूध था वो पिलाने का बोल रहा होता है। और जो लू था बहुत इम्बेरस था, मियाँ हंसने लगती है, बोलते कि कैरियन। और उसके बाद मॉम उसे बोल रही थी कि तुम्हें तो सब कुछ सीखना पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, बस बच्चे होने वाले हैं लेकिन अकल नहीं, ऐसा वो बोल के डांट रही होती है।